पालघर नगर परिषद के स्वच्छता अभियान और विकास कामों की खुली पोल। नगर परिषद क्षेत्र से आई शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने। बुजुर्ग महिला और बच्चे हो रहे हैं शर्मसार। कहते हैं शहर में बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाने से शहर की तस्वीर नहीं बदलती है। आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो पालघर नगर परिषद के स्वच्छता अभियान और पालघर नगर परिषद में हुए विकास काम की पोल खोल कर रख देंगी, क्योंकि तस्वीरें जो है कभी झूठ नहीं बोला करती है। और अब इन तस्वीरों को देखकर लोग शर्मसार हो रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखने के बाद अगर किसी को शर्म नहीं आती है तो वह पालघर नगर परिषद है। पालघर नगर परिषद द्वारा बनवाए गए सार्वजनिक शौचालयों की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। यह तस्वीरें चीख चीख कर पालघर नगर परिषद द्वारा किए गए विकास कामों को बयां कर रही हैं। यह तस्वीरें पालघर नगर परिषद स्वच्छता अभियान और पालघर में हुए विकास कामों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि सार्वजनिक शौचालय किस तरह काफी महीनों से क्षतिग्रस्त हैं, इनके दरवाजे किस तरह टूटकर बिखर गए हैं, इनमें से तो कुछ दरवाजे गायब हो चुके हैं। इन टूटे फूटे क्षतिग्रस्त शौचालय में आने वाले बुजुर्ग महिला और बच्चे कितना शर्मिंदा होते होंगे और सोचते होंगे कि इन शौचालय में वह कैसे बैठे, क्योंकि इन शौचालय में या तो दरवाजे नहीं है, अगर दरवाजे हैं भी तो टूटे हुए हैं, जिसके कारण एक बार फिर लोगों को छतरी के सहारे शौच करना पड़ रहा है। साफ सफाई की बात ही मत करो। आप खुद ही सोचिए, इन तस्वीरों को देखकर लोग कितना शर्मसार होते होंगे, लेकिन अगर किसी को शर्म नहीं आती है तो वह पालघर नगर परिषद है। बोलिएगा, क्या नाम आपका? जरीना। हाँ, अच्छा, जब दरवाजा नहीं तो आप लोग कैसे जाते हैं शौचालय में? तो ये प्लास्टिक लगाया है ना, उसी में जाते हैं और एक एक घंटा खड़े रहना पड़ता है वहाँ पे। क्या घंटा रुकना पड़ता है? रुकना पड़ता है एक घंटा से। एक ही वही प्लास्टिक लगाया हुआ है, कोई आता नहीं देखभाल के लिए, साफ सफाई के लिए कोई नहीं आता, कोई नहीं आ रहा। और अभी टाकी भी टूट गया है दो दिन से, वो लड़का साफ सफाई करने वाले भी आया, वो लड़का गिरा था उसके साथ। डुंगीपाड़ा नाके पे जो बाथरूम है, उसका बाथरूम का 3 महीने से दरवाजा टूटा है, ना धोने आते हैं ना दरवाजा लगाने आते, और टाकी का भी पूरा टूट गया है। लेडीज बाथरूम को रात को आती, लेकिन कोई गर्दी रहती तो उधर खेती में जाके बैठते और दरवाजा लगा लगा के बैठना पड़ता है, उसकी वजह से जेंट्स लोग भी आते हैं और वो आधा आधा दरवाजा लगा के बैठते हैं। बाथरूम के लिए लेडीज जाती तो ये करना पड़ता है, शर्म के मारे भी निकलना पड़ता है। ये अभी शौचालय जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके ये शौचालय के दरवाजे जो है कम से कम 4-5 महीने के ऊपर हो गए हैं, टूटे हुए हैं, तो इससे भी ज़्यादा समय हो गया है। लोगों को काफ़ी तकलीफें हो रही है यहाँ पे, और नगर परिषद का बिल्कुल यहाँ पे दुर्लक्ष है, जबकि शौचालय का जो मिशन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, वो यहाँ पे असफल होता हुआ दिख रहा है। लोगों को स्वच्छता तो जागरूक की गई है, लेकिन नगर परिषद की तरफ से ही इतना बेपरवाही हो रही है। अगर आप ये तो जो टाकी है, आप ये देखोगे टाकी यहाँ पे तो पूरी टूटी हुई है, टॉयलेट का पूरा ये जो है पूरा दिख रहा है। यहाँ पे बच्चे लोग इस ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते हैं, उनका बॉल कभी इधर जाता है तो बॉल वापस उनको मिलता नहीं है, ऐसी सारी तकलीफें यहाँ पे है। नगर परिषद से निवेदन रहेगा कि अगर लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया है, फिर भी आप लोगों से एक ऑडिट होना चाहिए हर 3 महीने में 6 महीने में कि उस शौचालय की परिस्थिति कैसी है, क्या है, उसके बाद उस शौचालय के मिशन का जो महत्व है उसको दिल में लेके उस शौचालय के मिशन का उनको वो सफल होना चाहिए, ये हमारा कहना है। मैं सुरेश दुबड़ा यहाँ का रहवासी हूँ, यहाँ जी नगर से वक्ता पहले 2014 से लेकर 2019 तक यहाँ के लोगों का प्रॉब्लम जो भी है, उन लोग मेरे को बार बार बताते क्या संडास का दरवाज़ा टूटा हुआ है, पीछे की टाकी टूटी है, आने जाने वाले जानवर है वो उसमें गिरे,
फिर उसके बाद यहाँ के जाने वाले लोग है, यहाँ दुकान बिकाने रोड से आने जाने वाले लोग है, उन लोगों के जो समस्या है, क्या दरवाज़ा टूटा है तो आदमी बैठेगा किधर, खुला है चारों बाजू से दरवाज़ा टूटा है, ताकि नहीं पानी नहीं आ रहा है, बोरिंग का पानी की समस्या, तो यहाँ की लेडीज लोग है, जेंट्स लोग है, ये जाएंगे कहाँ, ये अगल बगल में घर वाले इन लोग भी जाएंगे कहाँ, क्योंकि जो एक ही डूंगी पड़े के अंदर है ना, एक ही शौचालय बना हुआ है यहाँ पे, और जगह यहाँ है ही नहीं सार्वजनिक, तो ये बनाने की जिम्मेदारी जो है लोगों को तकलीफ हो रही है, ये बनाने की पालघर नगर परिषद के कर्मचारी या प्रशासन की जवाबदारी है, स्थानिक नगर सेवक की जवाबदारी है, उन लोगों ने ध्यान दे के बनानी चाहिए, आज उन लोग बनाएंगे तब लोगों की तो समस्या दूर होगी, लेकिन उन लोग ध्यान ही नहीं देते, तो लोगों की दिन पे दिन हालत बेकार होते जा रही है। कुछ साल पहले पालघर नगर परिषद ने स्वच्छता अभियान के तहत गुड मॉर्निंग पथक नामक पथक बनाया था। यह पथक सुबह 6 बजे आ जाता था और स्वच्छता के नाम पर खुले में शौच करने गए लोगों को गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत कर उन्हें शर्मिंदा किया करता था, ताकि वह दोबारा खुले मैदान में शौच करने के लिए ना आए। इसके बाद पालघर नगर परिषद क्षेत्र में कहीं सार्वजनिक शौचालय नहीं होने की बात ने जब तेल पकड़ा, तो उस समय नगर परिषद में चुनकर आए नगर सेवकों और सेविकाओं और नगर परिषद अधिकारियों ने कई जगह सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया, ताकि लोग खुले मैदान में शौचालय के लिए ना जाएं। काफी महीनों से क्षतिग्रस्त हुए इन सार्वजनिक शौचालय की हालत देखने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि कहां गया पालघर नगर परिषद का स्वच्छता अभियान, कहां गायब हो गया गुड मॉर्निंग पथक जो सुबह 6 बजे गुलाब का फूल देकर लोगों को शर्मिंदा करता था, कहां गया वो पथक जो शौच करने बैठे लोगों के सामने से पानी से भरी बाल्टी और डब्बा उठा ले जाता था, लोग इस पथक की बेसब्री से तलाश कर रहे हैं। अपनी बदहाली पर रोते इन शौचालय की इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है मानो जैसे पालघर नगर परिषद कुंभकर्ण की नींद सो रही है, और लोगों ने इन वार्डों से जिन नगर सेवकों को चुनकर जिन्हें विकास काम करने के लिए पालघर नगर परिषद में भेजा है, मानो उन्हें मोटे मोटे चश्मे आ चुके हैं, जिसके कारण ये तस्वीरें उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। इन सार्वजनिक शौचालयों की बदहाली के कारण एक बार फिर लोग खुले मैदान में और इन टूटे फूटे शौचालय में छतरी और पन्नी की आड़ में शौच करने को मजबूर हैं, और बारिश और पानी से बचाने वाली छतरी अब इनकी लाज बचा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि अब नगर परिषद की नींद कब टूटती है और इन शौचालयों की तस्वीर कब बदलती है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अब